जिस बीइंग अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिस तरह से बॉलीवुड फिल्म को आजकल एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया है पॉलिटिशियन ने, पद्मावत की बात कर रहा हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पर्सनल क्या राय है उसके बारे में? देखिए, मैंने पद्मावत का जो फिल्म बनी है वो मैंने अभी तक नहीं देख पाई, लेकिन बात यह है कि पद्मावती शी इज़ आवर प्राइड, पद्मावती हमारी माँ है, और उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं, उनके जो बलिदान है, तो वो युग युग हमारे लोग जो हैं वो याद रखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये जितना संसार में जो उनका प्रक्रिया शुरू किया है और इनके जो अच्छे हैं बुरे हैं वो जो भी संसार कर चुके हैं, तो अब लोगों को मतलब ये अपील है कि पहले पिक्चर देखें और उसके बाद जो रिएक्शन करना है वो करें। लेकिन हम बिना देखे अगर ये रिएक्शन ऐसा हो रहा है, ये बहुत दुखी बात है। मैं पद्मावती माँ को मैं नमन करती हूँ, लेकिन उनके जो पोर्ट्रेट जो जिस तरह किया है, तो मैं दीपिका को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। आपके हिसाब से सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट? तो उसके ऊपर तो हम तो है नहीं ना, तो ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया, तो आई थिंक अब पीसफुली अगर ये रिलीज हो जाए, और मेरा मानना है कि संजय जी भी सोसाइटी के लिए बहुत करते रहे और करते रहेंगे, वो बस मैं यही चाहता हूँ कि इट्स अ ह्यूज हिट, एट द सेम टाइम नोबडी emotions have been played with, and I'm sure that's the way it is. Industry ke hai, Akshay has a lot of respect for Sanjay ji, and I think usse badi baat ho hi nahi sakti, aur hats off to Akhi. Thank you.